क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गिनती एक बेहतरीन फुटबॉलर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान में भी होती है। जहां अभी दो दिन पहले खबर आई थी कि वो एक प्राइवेट आइलैंड पर अपने परिवार के साथ चले गए हैं और खुद को और अपने परिवार को आइसोलेट कर लिया है कोरोना वायरस से बचने के लिए, वहीं इसके बाद एक और खबर आई जिससे लोगों के मन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रति इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पुर्तगाल में उनके CR7 कई होटल है और पूरी होटल चैन उन्होंने पुर्तगाल में बना के रखी है और वो होटल के बिजनेस में है। अब उन्होंने इन होटल्स को कुछ दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि इन सभी होटलों को हॉस्पिटल बनाया जाएगा जब तक कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म नहीं हो जाता। यानी कि अगर सरकार चाहे और उनको कोई कोरोना वायरस का मरीज मिले तो उसको आइसोलेटेड किया जा सकता है CR7 होटल में। और इसके अलावा सिर्फ CR7 हॉस्पिटल नहीं दे रहे हैं वो सरकार को, इसके अलावा जो इसमें डॉक्टर और नर्स होंगे इस दौरान सभी की सैलरी देंगे, सभी का खर्चा देंगे और दवाइयों का खर्चा भी देंगे। ये दिखाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने देश में मौजूद लोगों के लिए कितना सोचते हैं और वो कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने देश के लोगों के लिए। जाहिर सी बात है, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनता है वो इतना कमाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके फैंस जरूर होते हैं। जिस खेल के साथ सबसे ज़्यादा फैंस जुड़े होते हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर आते हैं, वहीं उसी खेल के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और जब वो कमाते हैं तो कहीं ना कहीं उस जनता को भूल जाते हैं। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं भूलते और ये दिखाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाकई में एक बेहतरीन इंसान है। इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस काफ़ी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि जो उनके साथी थे रूममेट वो कोरोना पॉजिटिव आए थे और क्रिस्टियानो का जब टेस्ट किया गया तो क्रिस्टियानो के लिए ये अच्छी बात रही कि उनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन अब उनको यकीन नहीं रहा कि किसको हो सकता है कोरोना किसको नहीं। इसके बाद उन्होंने अपने पूरे परिवार का चेकअप करवाया और पूरे परिवार को लेकर और साथ में एक डॉक्टर की टीम को लेकर निकल गए प्राइवेट आइलैंड। इस वक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनका पूरा परिवार पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है और वो प्राइवेट आइलैंड पर ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।